हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में दोबारा से मैं आपके लिए एक बहुत ही सिंपल सा पैक लेके आई हूँ, जिसमें बहुत सारी चीजें इकट्ठा करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर में, आपके किचन में मौजूद एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो कि मतलब हमेशा ही आपके किचन में मौजूद होता है, उसी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो क्या है वो चीज? तो वो है जी दही। और दही में एक फेवरेट वाली चीज जो कि मेरी बहुत फेवरेट है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल में उसको करती हूँ, वो हम इसमें ऐड करेंगे। क्या है वो भी मैं आगे आपको बताती हूँ। तो पहले बात कर लेते हैं इस दही की। दही जो है ना, कैल्शियम से भरपूर होती है, प्रोटीन से भरपूर होती है। इसके अलावा भी दही में बहुत सारी विटामिन, मिनरल्स और वो सारी चीजें पाई जाती हैं जो कि आपकी स्किन को निखारने का काम करती है, लाइटन करती है, ब्राइटन करती है, ग्लोई बनाती है। इसके अलावा भी इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मिल्क और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट, इनमें लैक्टिक एसिड काफी हाई क्वांटिटी में पाया जाता है, जो कि हमारी स्किन को ब्राइटन करने का, लाइटन करने का काम करता है। अगर आप जो भी महंगे महंगे कॉस्मेटिक्स आते हैं स्किन केयर से रिलेटेड, उनके इंग्रेडिएंट्स में पढ़ेंगे तो जो भी स्किन व्हाइटनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाती है, क्रीम्स वगैरह कुछ भी, तो उसमें लैक्टिक एसिड आपको एक मेन इंग्रेडिएंट की तरह दिखा हुआ, मतलब जब भी आप उसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट पढ़ोगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा। तो क्यों ना हम उसे नेचुरल तरीके से यूज करें। मतलब कि जैसा मैं आपको पहले भी बताती हूँ कि कच्चा दूध हमारे फेस के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है, तो आप उसे एज अ क्लींजर इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूध से ही बनी हमारी दही, तो इसमें भी लैक्टिक एसिड काफी हाई क्वांटिटी में होते हैं और भी बहुत सारी चीजें जो कि मैंने आपको बता दी, तो आपकी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। एंटी एजिंग का ये काम करेगी, आपकी स्किन को लाइटन करेगी, ब्राइटन करेगी और बहुत सारी चीजें। तो ज्यादा बातों में ना पड़ते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या करना है हमें। तो मैंने ये घर का ही फ्रेश वाला दही लिया है और ये ना थोड़ा इस तरह से लिक्विड जैसा है, मतलब बिल्कुल जो होता है ना पक्का पक्का वाला मार्केट में जैसा मिलता है वैसा वाला नहीं है। हाँ, अच्छी तरह से बना तो है लेकिन हाँ थोड़ा सा लिक्विडी है। तो एक चीज मैं यहाँ पे आपको एक सीक्रेट बताना चाहूंगी कि अगर आपके पास भी इस तरह का दही हो, आप उसको अच्छे से यूज में ना ला सकें तो क्या करना है, इस ट्रिक को भी देखिएगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है ये बाउल, साथ में ली है स्पून और ये रहा जी हमारा दही। और दही देखिए मैं फिलहाल यहाँ पे एक चम्मच दही का ले रही हूँ और अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा हम और ले लेंगे, क्योंकि ये ना थोड़ा सा लिक्विडी जैसा है तो इसकी अंदाजा कम जो है पता नहीं चल रहा है कि एक चम्मच भी ना थोड़ा सा कम जैसा नजर आ रहा है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि एक चम्मच और ले लेती हूँ। चम्मच भी मेरी बहुत ज्यादा बड़ी सी नहीं है, छोटू सा स्पून है। तो ये देखिए अब मतलब ना ये उतना, एक चम्मच भर के उतना मतलब ये हो गया है। तो इसके अलावा जो मैं अपनी फेवरेट चीज की बात कर रही थी वो है विटामिन ई। विटामिन ई जो है ना ब्यूटी विटामिन के नाम से ही जानी जाती है और बहुत सारे पैक मैंने आपको बताए हैं, एक सिंपल फॉर्मूला भी बताया है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा चक्कर में ना पड़ना है तो खाली डेली नाइट को आप विटामिन ई एलोवेरा के साथ यूज कीजिए। अच्छा, यहाँ पे आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हो कि क्या ऑयली स्किन वाले भी इसे यूज कर सकते हैं? तो देखिए, अगर आपको बहुत ज्यादा आपकी स्वेटिंग होती है, बहुत ज्यादा ऑयली आपकी स्किन रहती है, तो देखिए ये पूरा का पूरा विटामिन ई का ये वाला कैप्सूल आप मत यूज कीजिएगा। मतलब ये 400 mg का है, थोड़ा सा ज्यादा ऑयली हो जाता है। तो इस केस में आप 200 mg का भी एक कैप्सूल आता है तो वो वाला यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और एलोवेरा की क्वांटिटी को आप थोड़ा सा ज्यादा रख सकते हो। तो अगर आपको सूट करता है तो देखिए, अब मेरी स्किन को सूट कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि आपकी स्किन को भी सूट करेगा। तो आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से चीजों को सिलेक्ट कर सकते हो कि जो चीजें आपको, क्योंकि देखिए रेगुलरली जब आप किसी भी चीज को यूज करते हो तो खुद ब खुद आपको पता लगने लग जाता है कि ये चीज मेरी स्किन को सूट कर रही है और ये नहीं कर रही है। तो उस हिसाब से आप पैच टेस्ट भी कर सकते हो अगर मतलब डायरेक्ट फेस पे नहीं यूज करना है तो। लेकिन मुझे ये चीज बहुत ज्यादा सूट करती है, मैं मतलब इसको बहुत ज्यादा यूज करती हूँ तो इसलिए मैंने आपको बताया। और बाकी अगर आपको सूट ना करती हो तो आप देखिए, जरूरी नहीं है कि हर किसी को जो मुझे सूट कर रहा है वो सूट करे। मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि पहले इस्तेमाल किया कीजिए चीजों को और फिर उसके बाद ही चेकआउट करने के बाद उन्हें रेगुलरली इस्तेमाल में लाया कीजिए। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ विटामिन ई का कैप्सूल। अगर आपके पास सूट, मतलब अगर आपको सूट नहीं करता है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन विटामिन ई के कैप्सूल में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जो आपको सूट ना करे, पर हो सकता है भी आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो तो आप खाली ये जो
दही है इसे भी इस्तेमाल में ला सकते हो। तो जैसा भी आपको सुविधा लगे उस तरीके से आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जिनको सूट होता है उनके लिए मैं ये बता रही हूँ। तीन चीजों का मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो पहली दही ली है, सेकेंडली मैंने ये लिया है विटामिन ई का कैप्सूल। और सॉरी मुझे ना इसी तरह, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जब भी मैं यूज करने लगती हूँ मुझे कुछ मिलता नहीं है, कैंची वेंची या कुछ भी, तो मैं डायरेक्टली इसी तरह से इसको यूज कर लेती हूँ। तो चलिए अभी तीसरी चीज की बात करते हैं, तो वो है ये हनी। मैंने यहाँ पे ये देखिए ये वाला हनी लिया है। आप कोई से भी ब्रांड का हनी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कंपल्सरी कि जो मैं ले रही हूँ वही लेना है। और हनी भी देखिए, हनी सबसे बेस्ट होता है, ये हर ऑल स्किन टाइप को सूट करता है, लेकिन अगर किसी को ना सूट करे तो वो यहाँ पे स्किप भी कर सकता है, मैं पहले ही बता रही हूँ। और मुझे सूट करता है, अगर आपको सूट करता है ना तो स्किन को ब्राइटन बनाने में हनी का बहुत ज्यादा बड़ा रोल होता है। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि आपकी स्किन को एक तो लाइटन करती हैं, साथ ही साथ ब्राइट बनाती हैं, ग्लो, अगर आपके फेस से ग्लो जा रहा है ना, जैसे होता है ना डलनेस जैसी आ जाती है, और वैसे भी आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा स्किन मतलब पिंपल्स निकल आ रहे हैं, कई कुछ बहुत सारी चेंजेस हो रही है। मेरे फेस पे भी एक पिंपल निकल आया है, ये तो इसलिए निकला है क्योंकि हमने घर का काम लगाया है टाइल्स वगैरह को, तो पूरा दिन भर डस्ट डस्ट उड़ती रहती है चारों तरफ, फिर रात को फिर से डस्टिंग करनी होती है, तो उस वजह से ये निकल आया है। और मैंने इसे बेरहमी से फोड़ा है इसलिए थोड़ा सा दाग का भी इसने रूप ले लिया है। तो इसको कैसे ठीक करना है और पिंपल और पिंपल से होने वाले दागों से कैसे छुटकारा पाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, पर आज नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो के बाद वही वाला वीडियो आएगा। और चलिए अभी बहुत बातें हो गई, दही में विटामिन ई का कैप्सूल मैंने ऐड किया था, और अब यहाँ पे देखिए बहुत ही थोड़ा सा मतलब कि 1/4 टीस्पून आपको लेना है ये हनी, इतना सा ये हनी मैंने यहाँ पे लिया है। और बस जी अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका काम हो गया है। अब इसको मिक्स करना है आपने अच्छी तरह से मिक्स 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 कर लीजिए, और बस अब आपने इसे लगा लेना है अपने फेस पे। फेस को पहले अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है, उसके बाद ही आपने इसे अप्लाई करना है। अब देखिए कईयों की दही जो होती है ना वो फेस पे अच्छी तरह से चिपकती नहीं है, है ना, तो उसके लिए उस केस में आपको क्या करना है वो मैं ट्रिक आपको बता रही हूं। तो आप उस केस में क्या कीजिए कि थोड़ी सी मामूली सी आप ये मुल्तानी मिट्टी लीजिए और इसमें लगा डाल दीजिए। ठीक, कितनी सी, बिल्कुल ही मामूली सी, बहुत ज्यादा नहीं आपको ऐड करनी है, बिल्कुल मामूली सी आप लगा लीजिए इसमें डाल दीजिए, या फिर चावल का आटा आप इसमें डाल लीजिए। और फिर देखिए आप ना आपका दही जो है ना बिल्कुल अच्छी तरह से आपके फेस पे, ये थोड़ी सी मुझसे ज्यादा गिर गई क्योंकि आपको पता है मैंने स्पून से नहीं निकाली। और आप बोलोगे कि एक एक करते करते इंग्रेडिएंट बहुत ज्यादा हो गए, तो बहुत ज्यादा नहीं हुए हैं। मैंने जो आपको बताना है आपने विटामिन ई और दही को एवरी नाइट यूज करके देखिए, ऐसा नहीं है कि इसको आपको उसके कोई साइड इफेक्ट हो जाएंगे या कुछ भी, इसे आप एवरी नाइट यूज कर सकते हो। लगभग 10 मिनट के लिए लगा लीजिए इसे फेस पे, अगर ज्यादा देर रहने दे सकते हो तो आधा घंटा या फिर 15 से 20 मिनट आप इसे अपने फेस पे लगा रहने दीजिए। उसके बाद अपने चेहरे को गुनगुने पानी से या फिर ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, इसे आप लगा लीजिए अपने फेस पे, और हो सके तो थोड़ी सी देर के लिए अच्छी तरह से मसाज भी कर लीजिए, और फिर अपने फेस को आप गुनगुने पानी या फिर ठंडे पानी से धो सकते हो। तो ये है मेरा सीक्रेट तरीका जिससे कि आप अपने फेस को चमका सकते हो। और बस जी, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।